जाई ना तो दरवाजा बंद किया ऊपर गई मेरा बेटा ऊपर फिर ना दरवाजा ना करके मैं नीचे आई घर कहते दरवाजा मैं मेरी मम्मा आई दरवाजा खुलिया तेरा कोई वो बैग वो कोई नहीं भगवान जी पापा ने शॉप तो फिर सभी पहले तो मैं गली च गई वो गड़े एक ही गड़ा वो ही आया अगे पर मैं उबर गई पिछले दो जने आए मैं फोन किया आज कथा कुंडी ला गा थले बढ़ जाए मैं थले जानी मारेगा कर्शित मारना कर्शित कर्शित मार कुछ नहीं है कुछ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है चुप 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 तानू कादना मारे उन्होंने तेनू किन्ना मारे उन्होंने गल कप मार मेरा कर्शित कर्शित मार कर्शित मार मर गई मेरी वाइफ ही है जरा दे काके नूं ट्यूशन लैन गई मेरे बेटा का संजी अकर्षित तो उन्होंने लैन गई ही तो ये पिछे लगे दे घर कोई भी नहीं है ताला लगा दा ही बाहर क्या ताला खोल के अंदर गई है तो कोठे चल गई है इन उन्होंने बुआ खड़काया वा कि जो मुंडे आए आ पांच छे मुंडे पहले दो जने आए आ उन्होंने बुआ खड़काया वा वो कहते हैं कि ताड़े पापा ने भेजा वा सर्विस करनी है तो यह कोठे से ना मोबाइल लैन गई है मोबाइल लैन गई है तो कोठे चढ़ गया एक मुंडा तो उन्हें धक्का मारिया तो फोन करके उन्होंने बाकी चार जन कहता वा कि आयो थल्यो थल्यो कुंडी मार के आयो तो फिर उत इट पई दी इट पता नहीं सिर च मारी उन्हें तो बैल्ट ही तो चाकू ही चाकू आ चीज़ा ने मारिया ढिड ने मारे दे चाकू मारे दे सिर च इट वजी दी बैल्ट बैल्ट ना गला घुटिया उन्होंने तो बैल्ट भी उत्थे पई दी ते सारा कुनो कुन बाकी पैसे चलो जेवर सब कुछ लै गए लुट के कैश भी है कैश हूँ मैं वेख्या नहीं है जाके सोना है मैं वेख्या नहीं है हाँ जी मैं उतों इन्होंने चुक के लिया वा घर गया अलमारियां खुली दी थले भी कोठे से भी है मैं उपर रेजमे उपर थले भी खुली दी अलमारियां सब कुछ खुले दा इधर लम्बे पई दी बेहोश हुई दी कहते उन्होंने कहा था कि मर गई है इन्हू बेटे कहती कि जो तू रौला पाया तो तेरे बेटे मार देना हाँ उन्होंने कहता था कि मर गई है तो चलो चली आप लुट लिया मैं फोन किया ना मैं मम्मा अपने फोन किया मंदरों आते तो कहते मैं घर ही चलनी है तो उन्होंने मैंने फोन किया कि घर छेती आ मैं दुकान शो बंद करके दवा दब घर गया उस तो बाद मैं नाले इन्होंने इतने लै गया संधू से हम सारे दसे फोन किए नहीं बहुत माड़ा काम है जी अपने वास्ते राशन वास्ते नहीं शक नहीं है बाकी वो थोड़ी हो चाहती है उन्होंने शायद पछाण हो मैं भाजी मंदिर गई का साढ़े पांच बजे काली द्वारे तो घर ना वोटी गई ही जे तो नाल छोटा जहा बेटा है ही उन्हों का तो उन्होंने बेटा ट्यूशन जाता वा उन्होंने ट्यूशन तो लैन जाना ही उन्होंने पौने के छे बजे हाँ जी तो वो बेटा पता नहीं हूँ लैके आई है के की होया मगरों की नहीं मैनू ए नहीं इस चीज़ का पता मैं तो काली द्वारे गई ही जे हाँ जी तो जो मैं घर आई हाँ तो उदो मैं घर आके वो बाहरों कुंडी वजी हुई है तो कुंडी वजी इस कमरे में मैं ताला लाया ही जे ये ताला मेरा इस तरह ही खुला होया ही जे बिल्कुल ही खुला होया अलमारियां अलमूरियां खुलियां बिच पैसे पुसे जो भी गहना गुना गई समान कुछ नहीं है फिर मैं उपर चल गई हाँ उपरों मैं वोटी आवाजा मारनी हाँ वोटी छड़ के गई हाँ उपर गई हाँ तो लम्मे पई हुई है वो तो बैल्ट गल दे पई हुई है तो उन्होंने मठावा तो खून भी वगदा पर लम्मे पई तो मैं हिलाव पर लेना बेहोशी हुई पई है वो अलमारी भी खुली है तो सामने मेरा पोता है वह वो बेचारा ना मोबाइल विंदा पाया जी मोबाइल विंदा पाया बच्चे नहीं कुछ किया सहमे ही पिया ना वह गल करता जे पर हूँ सहमे पिया हाँ जी कि कैश थे कि सोना घर लैके गए पता कोई आइडिया पैसों का नहीं मैंने पता पैसे बंदे ही रखते ही जे हाँ जी
ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਲਡ? ਗੋਲਡ ਹੈ ਇਹੀ ਟੋਪਸ ਟੂਪਸ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਕੁ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਟ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 4-5 ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, 1,76,000 ਕੈਸ਼ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲਾਵਿਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਗ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਸੀ, 5:30 ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 8:15 ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀ? ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਸਭ ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖੜ੍ਹ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਸੀ ਛੋਟਾ ਦਾ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।